हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले क्लास में हम लोगों ने इक्विपोटेंशियल सरफेस से रिलेटेड कुछ सम देखे थे और उसके प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी हमने क्या कुछ सम देखा था, है ना। आज हम पढ़ेंगे कंडक्टर के बारे में। लास्ट पॉइंट है आपके इलेक्ट्रिसिटी में, लास्ट पॉइंट है। तो कंडक्टर के बारे में, जैसा आप लोग जानते हैं कि कंडक्टर क्या है, एनी मटेरियल क्या हो जिसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हों, है ना, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। कंडक्टर में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे ही आप इसको क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या होगा, इनसाइड द कंडक्टर इट विल ड्रिफ्ट। आई मीन क्या होगा, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो कंडक्टर के अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होंगे, एक जगह से दूसरे जगह, वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या होंगे, ड्रिफ्ट होने लगेंगे, मूव करने लगेंगे, है ना। तो अब क्या होगा, उसके बाद क्या होगा कि कंडक्टर के बारे में आप जानते हैं कि कंडक्टर क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, उसके सरफेस मतलब उसके सरफेस पे हर जगह पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। यदि स्फेरिकल कंडक्टर हो तो क्या होता है, इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम होता है। आई मीन कंडक्टर के अंदर हर जगह क्या होता है, वॉल्यूम सेम होता है, वो हम देख चुके हैं और आज भी हम प्रॉपर्टीज में देखेंगे। सबसे पहला प्रॉपर्टीज हम ये देखेंगे कि व्हाट, हाउ द चार्ज, व्हेन एवर वी प्लेस चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, हाउ द चार्ज विल डिस्ट्रीब्यूट ओवर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। आई मीन जब क्या करोगे, किसी भी कंडक्टर के सरफेस पे, आई मीन किसी भी कंडक्टर पे आप चार्ज रखोगे तो चार्ज उसके सरफेस पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब डिस्ट्रीब्यूट दो तरह से हो सकता है, ये क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और दूसरा क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अभी हम कैसे फिगर आउट करेंगे कि किस सिचुएशन में जो चार्ज होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और किस सिचुएशन में चार्ज होगा वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो हमने इसको समझने के लिए हमने क्या किया है कि एक स्फेरिकल कंडक्टर कंसीडर किया है। उससे क्या होगा कि हम आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं। क्यों, क्योंकि स्फेरिकल सरफेस के लिए हम पोटेंशियल जो है आसानी से लिख सकते हैं, है ना। स्फेरिकल नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल कंडक्टर के लिए हम क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल आसानी से लिख सकते हैं, फील्ड आसानी से लिख सकते हैं, तो उसके प्रॉपर्टी को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं और उसी को यूज करके हम एक जनरल रिजल्ट लिखेंगे। तो आइए हम देखते हैं हमने क्या किया है, एक यहाँ स्फेरिकल कंडक्टर कंसिडर किया है। अब कंडक्टर पे हमने चार्ज क्या दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है। इवन हमने यहाँ क्या है, देखो यूनिफॉर्मली दिखाया हुआ है, लेकिन हम इसको प्रूव करेंगे कि यूनिफॉर्मली यदि स्फेरिकल क्या होगा, कंडक्टर होगा, तो चार्ज जो होगा इसके सरफेस पे क्या होगा, यूनिफॉर्मली क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अब हमने क्या किया, हम जानते हैं कि कंडक्टर के केस में क्या होता है, कंडक्टर क्या हो, स्फेरिकल हो, नॉन स्फेरिकल हो, हर जगह उसके सरफेस पे पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। तो हम ये जानते हैं कि स्फेरिकल कंडक्टर के केस में जितना सरफेस पे पोटेंशियल होता है उतना ही क्या होता है, इसके अंदर किसी भी पॉइंट पे होता है, और वो पोटेंशियल कितना होता है, क्यू अपॉन 4πε0 क्या होता है, आर होता है, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है। तो वी इन, आई मीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, और ये कितना होगा, क्यू अपॉन 4πε0 क्या होगा, आर होगा। उसके बाद हम जानते हैं सिग्मा क्या है, यहाँ सिग्मा आप लोग जानते हैं, सिग्मा को हम क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्या बोलते हैं इसको, सरफेस, क्या बोलते हैं हम, सरफेस चार्ज डेंसिटी, आप जानते हैं इसको, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होता है, चार्ज अपॉन क्या होता है, एरिया। तो क्या है, चार्ज क्यू क्या है, चार्ज ऑन द स्फीयर, और स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होगा, 4πr². अब यहां से आप q इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इनटू 4πr². तो अब देखो क्या होगा, हमने क्या लिखा कि इसके अंदर हर जगह क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा। तो हमने क्या लिखा, q अपॉन 4πε0r इक्वल टू हमने क्या लिखा, कांस्टेंट, क्योंकि एट ईच एंड एवरी पॉइंट इनसाइड और ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी क्या होगा, कांस्टेंट इन केस ऑफ कंडक्टर। तो हमने क्या किया, q अपॉन 4πε0r इक्वल टू हमने कांस्टेंट लिख दिया। यहाँ आप देखेंगे, यहाँ आप ये भी बोल सकते हैं कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, R। आई मीन क्या होगा, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, R हो जाएगा। अब हमने क्या किया, Q इक्वल टू क्या लिखा,
सिग्मा इंटू फोर पाई आर स्क्वायर। तो जब आप क्यू इक्वल टू क्या लिखोगे, सिग्मा फोर पाई आर स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा, सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू क्या होगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। अब सिग्मा एक स्टेप और भी लिख सकते हो, सिग्मा आर इक्वल टू क्या होगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। सिग्मा इंटू आर आई मीन प्रोडक्ट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेस विल बी ऑलवेज क्या होगा, कॉन्स्टेंट। इससे क्या मिला अपने को, प्रोडक्ट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कंडक्टिंग सरफेस विल बी ऑलवेज क्या होगा, कॉन्स्टेंट। इससे हम ये बोल सकते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होगा वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व। ग्रेटर द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व, ए स्मॉलर विल बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड ए स्मॉलर विल बी या लेसर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जस्ट आउटसाइड ऑफ द कंडक्टिंग सरफेस। जितना ही क्या होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, कम होगा, उतना ही क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड जस्ट आउटसाइड नियर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर क्या होगा, कम होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि एज वी नो दैट नियर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर जस्ट आउटसाइड ऑफ द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो होता है। क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, आई मीन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ग्रेटर द सरफेस चार्ज डेंसिटी नियर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर मोर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड क्या होगा, वाइस वर्सा। उसमें हम आते हैं, है ना, उसका भी रीजन है, कोरोना डिस्चार्ज एक टर्म होता है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। तो ये क्या होगा, यहां से हम बोल सकते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इज क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आई मीन ग्रेटर द रेडियस ऑफ कर्वेचर ए स्मॉलर विल बी द क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वाइस वर्सा। तो यहां हमने लिखा है ग्रेटर द रेडियस ऑफ कर्वेचर ए स्मॉलर विल बी सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वाइस वर्सा, है ना। यहां हम लिख सकते हैं दैट इज क्या होगा, इफ क्या होगा, इफ दैट इज हम लिख सकते हैं, इफ क्या होगा, कंडक्टर इज नॉट स्फेरिकल देन चार्ज ऑन द सरफेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। क्या होगा कि जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, ज्यादा होगा, वहां सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, कम होगा। जैसे आप एग्जांपल यहां देख सकते हैं, क्या होगा देखो ध्यान से, आप इस टाइप से यदि ग्राफ सोचें, क्या होगा इस टाइप से यदि ग्राफ देखें, तो ये क्या है, आप थोड़ा सा और मैं इसको क्यों इस शेप का है, है ना। ये क्या है, शार्प एज है। तो आप देख सकते हो कि यदि इसको कर्व, यहां आप चार्ज क्यू रखोगे, इस पे यदि चार्ज कंडक्टर को क्यू चार्ज दोगे तो क्या होगा, इधर क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इधर जैसे जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, कम होगा, वैसे वैसे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, आई मीन यहां जो होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, इधर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, ज्यादा है, और इधर रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो ये इस टाइप का क्या है, कर्व बन रहा है इस टाइप का, जैसे जैसे आप ध्यान से देखो, तो यहां क्या होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, और सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नियर टू द सरफेस क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट विल हैपन, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल आयोनाइज द एयर मॉलिक्यूल्स नियर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर एंड हेंस चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर स्टार्ट मूविंग इनटू द एयर।
एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड कोरोना डिस्चार्ज. क्या होगा? दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड क्या होगा? कोरोना डिस्चार्ज. तो हमने क्या पढ़ा कि ग्रेटर द क्या होगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी. ग्रेटर द क्या होगा? आई मीन लार्जर द रेडियस ऑफ कर्वेचर. स्मॉलर विल बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड स्मॉलर विल बी द क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड नियर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर. तो जैसे ही क्या होगा, क्या होगा, शार्प एज होगा, है ना, क्या होगा, शार्प एज होगा. तो उस केस में क्या होगा, शार्प एज के पास में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा और उसके वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा. और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा तो क्या करेगा, वो गैसियस मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, पोलराइज करेगा. और उसके वजह से क्या होगा, जो चार्ज शार्प एज पे है वो क्या होंगे, एयर मॉलिक्यूल्स में क्या करेंगे, मूव करने लगेंगे. इसी फेनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, कोरोना डिस्चार्ज बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कोरोना डिस्चार्ज बोलते हैं. ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जब क्या होगा, तो क्या होगा कि हम बोल सकते हैं कि व्हेन क्या होगा, व्हेन व्हेन, या ऐसे लिख सकते हैं क्या, इफ या व्हेन, क्या लिखेंगे, व्हेन रेडियस ऑफ कर्वेचर डिक्रीजेस, सिग्मा इंक्रीजेस एंड हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस. एंड हम क्या लिख सकते हैं, एंड वाई से क्या लिख सकते हैं, वाई. तो हम क्या लिखेंगे कि इफ द क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज क्या होगा, वेरी स्मॉल, देन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बहुत ही लार्ज होगा. और वो लार्ज, उस लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, गैसियस मॉलिक्यूल जो होंगे उनको क्या करेगा, वो पोलराइज करेगा. और जैसे ही पोलराइज होगा, गैसियस मॉलिक्यूल क्या होंगे, पोलराइज होंगे. तो ये जो नियर टू द शार्प एजेस जो है क्या होगा जो चार्ज है वो क्या होंगे, एयर में मूव करने लगेंगे. इसी को हम क्या बोलते हैं, कोरोना डिस्चार्ज बोलते हैं. ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें आप इसको लिख लेना. इसके बाद क्या करेंगे, इसमें सेकंड जो पॉइंट है उसको हम क्या लिखेंगे कि इफ क्या होगा, इफ कंडक्टर इज स्फेरिकल देन चार्ज इज देन चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. आई मीन ये कंडक्टर है, स्फेरिकल है ना, इसका रेडियस क्या है, आर दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है. तो आप जब इस पे चार्ज रखोगे तो चार्ज क्या होगा, यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. क्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो हर जगह क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा. इस केस में आई मीन ई हर जगह नियर टू द सर्फेस क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा. लेकिन इस केस में आपसे कोई पूछे कि क्या हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, सेम होगा, ऐसा नहीं होगा. यहाँ क्या होगा, यहाँ यदि कोई पूछे कि नियर टू द शार्प एज क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा. और जहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, लार्जर होगा, वहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा. ठीक है, तो लेकिन इस यदि क्या होगा, कंडक्टर स्फेरिकल होगा तो चार्ज क्या होगा, यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा. तो ये फर्स्ट पॉइंट था कि जब भी आप क्या करोगे, कंडक्टर पे चार्ज रखोगे तो चार्ज क्या होगा, यूनिफॉर्मली भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्मली भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है. वो किस पे डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द कंडक्टर. यदि सरफेस
अब क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सर्फेस ऑफ द कंडक्टर विल बी सेम, देन चार्ज विल बी इक्वली या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सर्फेस। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ेंगे कि सेकेंड जो पॉइंट है कि व्हेन टू कंडक्टर आर कनेक्टेड, क्या है व्हेन, इसे एक न्यूमेरिकल भी देखेंगे जो पूछा भी जाएगा, है ना। अगला जो पॉइंट है वो क्या है, अगला जो पॉइंट है वो क्या है, व्हेन टू कंडक्टर, व्हेन टू आई मीन टू चार्ज कंडक्टर, टू या टू कंडक्टर है ना, टू कंडक्टर, कंडक्टर टू कंडक्टर्स आर कनेक्टेड, कनेक्टेड बाई बाई ए कंडक्टिंग, कंडक्टिंग वायर, देन चार्ज, चार्ज विल फ्लो फ्रॉम वन कंडक्टर, कंडक्टर टू अनदर कंडक्टर डिपेंडिंग ऑन, डिपेंडिंग ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम, डिपेंडिंग ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम। अब कोई जरूरी नहीं है कि दो कंडक्टर को आप कनेक्ट कर देंगे, पहले भी मैंने बताया है, तो क्या होगा, चार्ज फ्लो ही होगा, नहीं, वो डिपेंड करता है। यदि दोनों कंडक्टर हैं उनका पोटेंशियल क्या है, सेम है ना, तो जब आप उनको कनेक्ट करोगे तो चार्ज का फ्लो नहीं होगा, क्योंकि चार्ज क्यों फ्लो होता है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन देम। यदि पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं हो रहा है तो चार्ज का जो फ्लो होगा वो संभव नहीं है, है ना, संभव नहीं है। इसलिए मैंने लिखा है कि व्हेन टू कंडक्टर्स आइदर क्या होगा, दोनों चार्ज होगा, एक चार्ज हो सकता है, दूसरा क्या होगा, अनचार्ज हो सकता है, है ना। तो क्या होगा, व्हेन टू कंडक्टर्स आर कनेक्टेड बाई ए कंडक्टिंग वायर, देन चार्ज विल फ्लो फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर कंडक्टर डिपेंडिंग ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम। उनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस जो एग्जिस्ट होगा उस पे क्या होगा, डिपेंड करेगा। यदि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, क्या होगा, तो अभी यहां हम दो तीन चीजें लिखेंगे कि इफ क्या होगा, इफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम विल बी जीरो, क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे ए में, क्या लिखेंगे कि इफ पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन देम देम विल बी जीरो, देन नो चार्ज विल फ्लो, नो चार्ज, नो चार्ज विल फ्लो आफ्टर, क्या होगा, आफ्टर कनेक्शन। जब क्या करोगे, कनेक्ट करोगे, देखो ध्यान से, ये क्या है, जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ, है ना, कि ये मान लो कि क्या है, कोई भी कंडक्टर है, मुझे मालूम नहीं है कि किस शेप का है, ये कंडक्टर क्या है, कंडक्टर वन है, और दूसरा एक कंडक्टर है, क्या है, एक कंडक्टर टू है। अब हमने क्या किया, इस पे चार्ज क्या रखा, क्यू वन और इस पे क्यू टू, और इनको क्या किया, एक कंडक्टिंग वायर से क्या किया, कनेक्ट कर दिया, कंडक्टिंग वायर। और क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है कि इसका भी पोटेंशियल वी है, इसका भी पोटेंशियल वी है, तो क्या चार्ज फ्लो होगा यहाँ, नहीं, चार्ज विल नॉट फ्लो। यहाँ क्या होगा, चार्ज विल क्या होगा, विल नॉट फ्लो, चार्ज क्या होगा, नहीं फ्लो होगा, क्यों, बिकॉज, बिकॉज डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। तो ये डिपेंड करता है, बट क्या होगा, इफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अब सेकंड पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, आई मीन बी में हम क्या लिखेंगे कि इफ पोटेंशियल
क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस विल नट बी क्या होगा, यहां लिखते हैं क्या होगा, बी में लिख दें है ना, इफ पोटेंशियल, या ऐसे लिख दें इफ क्या होगा, इफ डेल्टा भी नट इक्वल टू क्या होगा जीरो, देन क्या होगा, देन चार्ज विल, देन क्या होगा, देन ऐसे लिख देते हैं पॉजिटिव चार्ज विल, पॉजिटिव चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल, पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, क्या होगा पॉजिटिव चार्ज होगा वो कैसे फ्लो होगा, हायर पोटेंशियल टू क्या होगा लोअर पोटेंशियल फ्लो करेगा, देन क्या होगा पॉजिटिव चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, क्या होगा पॉजिटिव चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर लोअर पोटेंशियल, एंड वाइस वर्सा लिख देते हैं ना, एंड क्या होगा वाइस और नेगेटिव चार्ज क्या होगा लो पोटेंशियल टू हाई। अब आप बोलोगे सर ये तो आप पहले ही पढ़ा चुके हो तो क्यों बता रहे, नहीं इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है इसलिए मैंने ये एग्जांपल कंसीडर किया। जैसे आप एग्जांपल देखो इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, इस पे बेस्ड एक एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल है, देखो क्या है, ये स्फेरिकल कंडक्टर है, क्या है कंडक्टर ए है और दूसरा स्फेरिकल कंडक्टर क्या है बी है, इस पे चार्ज क्या है Q1 है और इस पे चार्ज क्या है Q2 है, Q2 है, इसका रेडियस हम मान लेते हैं R1, इसका रेडियस हम क्या मानते हैं R2, और अब हमने क्या किया देखो ध्यान से, हमने क्या किया इन पे चार्ज क्या है, क्या है Q1 Q2 है, रेडियस क्या है R1 R2 है ना, और ये क्या है कंडक्टर है, तो कंडक्टर है तो क्या होगा कंडक्टर ई भी क्या होगा, ये फर्स्ट केस है, तो इन पे यदि मैं पोटेंशियल कंसीडर करूं तो यहां V1 इक्वल टू क्या होगा के Q1 अपॉन क्या होगा R1, यहां क्या होगा V2 इक्वल टू क्या होगा के Q2 अपॉन क्या होगा R2, यही होगा। अब क्या किया जा रहा है इसमें, नाउ एग्जांपल देखो क्या है ना, क्या है कि इफ टू कंडक्टर्स आर कनेक्टेड है ना, इफ टू कंडक्टर्स आर कनेक्टेड बाई ए लॉन्ग कंडक्टिंग वायर देन क्या लॉन्ग कंडक्टिंग वायर एज सोन इन द फिगर एज सोन इन द क्या है इन द फिगर देन इसमें क्या पूछा देन फाइंड क्या पूछा जाएगा फर्स्ट में क्या है कॉमन आई मीन इलेक्ट्रिक देन फाइंड आफ्टर इलेक्ट्रिक क्या है देन फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन बोथ कंडक्टर आफ्टर कनेक्शन बी में क्या है चार्ज या चार्जेस ऑन बोथ कंडक्टर्स सी क्या है एनर्जी लॉस ए इंपॉर्टेंट है क्या है एनर्जी लॉस क्या होगा देखो यही क्या है कंडक्टिंग क्या है वायर है तो कुछ जो एनर्जी होगा वो क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा यदि इस वायर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया हुआ है
और क्या है, मास दिया हुआ हो तो हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना टेम्परेचर क्या होगा, राइज होगा क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी यूज करके। तो आइए हम क्या करते हैं, देखते हैं कि इसको क्वेश्चन समझ में आया कि टू कंडक्टर्स आर कनेक्टेड बाई ए लॉन्ग कंडक्टिंग वायर एज शोन इन द फिगर, देन फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन बोथ द कंडक्टर्स आफ्टर कनेक्शन, आई मीन कॉमन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, चार्ज ऑन बोथ द कंडक्टर्स एंड एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस कितना होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। और ये एनर्जी लॉस जब आप कैलकुलेट करोगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका जो एनालॉजी है, आई मीन जो सिमिलरिटी है, हमने कहाँ पढ़ा है, कोलिजन हमने पढ़ा है ना, कोलिजन पढ़ा है ना, कि यदि क्या होगा कोलिजन के केस में क्या होता है, इन इलास्टिक परफेक्टली इन इलास्टिक यदि कोलिजन होता है एनर्जी लॉसेस कितना होते हैं, 1/2 m1 m2 अपॉन m1 + m2 इनटू v रिलेटिव का मैग्नीट्यूड स्क्वायर जो हम पढ़े हैं। दूसरे जगह हम पढ़े हैं रोटेशन में पढ़े हैं कि क्या है, एक डिस्क रोटेट हो रहा है उसके को एक्सियली एक क्या है दूसरा डिस्क जेंटली क्या किया जाए प्लेस कर दिया जाए तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उनके बीच और क्या होगा वहाँ भी क्या होगा एनर्जी लॉस होता है। तो वहाँ मैंने बताया था एनर्जी लॉस कितना होता है, 1/2 I1 I2 अपॉन I1 + I2 इंटू ओमेगा रिलेटिव द होल स्क्वायर। उसी तरह का केस हम यहाँ भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन आई थिंक समझ में आ गया होगा, आपने क्वेश्चन लिख लिया भी होगा, तो हम देखते हैं कि क्या होगा। कुछ नहीं है, जब भी कनेक्शन हो तो पहला स्टेप जो क्या है क्या है, अब सोल्यूशन हम लिखेंगे इसका, सोल्यूशन क्या है कि स्टेप क्या होगा, स्टेप फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखो क्या होगा कि चार्ज क्या होगा, एक जगह एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर पे क्या होगा मूव करेगा, लेकिन टोटल चार्ज जस्ट बिफोर कनेक्शन एंड जस्ट आफ्टर कनेक्शन क्या है सेम होगा, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, हमने मान लिया कि आफ्टर कनेक्शन का केस है, क्या है ये आफ्टर कनेक्शन का केस है, ये R1 हुआ, ये R2 हुआ, इस पे चार्ज क्या है Q1 और इस पे चार्ज क्या है Q2 आफ्टर कनेक्शन, ठीक है। और इस पे हमने भी मान लिया पोटेंशियल, तो ऑब्वियसली इस पे भी क्या होगा भी होगा, कोई डाउट नहीं है आपको। तो पहले हमने क्या लिखा, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होगा Q1 + Q2 इक्वल टू क्या होगा Q1 प्लस क्या हो जाएगा Q2 इक्वेशन क्या होगा। दूसरा स्टेप क्या होगा, स्टेप सेकंड क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा सेम होगा, आई मीन इसको यदि हम क्या लिख दें V1 - और ये क्या लिख दें V2 - तो हम लिख सकते हैं कि V1 - इक्वल टू क्या होगा V2 -। अब पोटेंशियल लिख सकते हो, आप क्या लिख सकते हो Q1 अपॉन 4πε₀ R1 इक्वल टू क्या होगा Q2 अपॉन 4πε₀ क्या होगा R2। यहाँ से जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तब लिख सकते हो कि Q1 अपॉन R1 इक्वल टू क्या होगा Q2 अपॉन R2। यहाँ से भी आप प्रूव कर सकते हो, Q1 का वैल्यू रखो सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में Q2 का, तो यहाँ से भी प्रूफ होगा कि सिग्मा R1 इक्वल टू सिग्मा R2 इक्वल टू क्या होगा कॉन्स्टेंट। तो एक रिलेशन क्या मिल गया, ये मिल गया। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो चार्ज मिल जाएगा। ये जब मैंने कूलम्ब फोर्स पढ़ाया था तो उस समय भी ये रिजल्ट बताया था और बोला था कि अभी क्या करो आप याद कर जाओ, जब आगे हम पढ़ेंगे तो वहां अपने को क्या होगा ये मालूम चल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड क्या सेकेंड, जब दोनों को सॉल्व करोगे तो देखो तो क्या होगा Q1 इक्वल टू प्लस क्या हो जाएगा Q1 इंटू क्या होगा R2 अपॉन क्या होगा R1 Q1 प्लस क्या होगा। यहां से आप लिख सकते हो देखो Q1 इक्वल टू क्या होगा Q1 प्लस Q2 इंटू क्या होगा R1 अपॉन क्या होगा R1 प्लस, ठीक है। उसके बाद आप ये भी लिख सकते हो कि Q1 इसको हम Q टोटल लिख दें, क्या लिख दें Q टोटल। अब देखो एक टर्म यहां लिख रहे हैं तो ये क्या हुआ R1 अपॉन क्या हुआ R1 प्लस R2, ये चार्ज मालूम चल रहा है। उसके बाद यदि Q2 लिखोगे तो Q2 क्या होगा Q टोटल इंटू क्या होगा R2 अपॉन क्या होगा R1 प्लस R2। यहां से ये मालूम चला कि क्या होगा चार्ज होगा वो क्या होगा चार्ज
विल बी क्या होगा, चार्ज स्टोर्ड बाय द क्या होगा कंडक्टर, विल बी क्या होगा इनवर्स आई मीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा रेडियस ऑफ द कंडक्टर, यही होगा ना। तो हम नोट में लिख सकते हैं कि क्या होगा, यहां आप नोट में लिख सकते हैं कि चार्ज स्टोर्ड बाय द क्या होगा, चार्ज स्टोर्ड, चार्ज स्टोर्ड बाय द क्या होगा कंडक्टर आफ्टर कनेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, आई मीन सिंपल क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया ठीक है। अब एक टर्म और आप याद रखना, कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर जो क्या होता है, देखो ध्यान से आप कोई भी क्या हमने लिखा क्या लिखा कैपेसिटी, यहां मैं लिख देता हूं कैपेसिटी ऑफ द क्या होगा कंडक्टर, इसको हम क्या चीज से डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं सी। यदि कैपेसिटी ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर सी इक्वल टू क्या होगा 4 pi एप्सिलॉन जीरो क्या होगा आर, याद रखना क्या होगा आई मीन कैपेसिटी किसी भी कंडक्टर का किस पे डिपेंड करता है, कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, इट इज नथिंग बट द एबिलिटी ऑफ द कंडक्टर टू स्टोर द चार्ज, ग्रेटर द कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर मोर चार्ज इट विल स्टोर एंड क्या होगा वाइस वर्स, जितना ही क्या होगा कैपेसिटी ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा एनर्जी क्या होगा या चार्ज क्या होगा ये ज्यादा स्टोर करेगा। तो कैपेसिटी क्या होगा, कैपेसिटी ऑफ एनी स्फेरिकल कंडक्टर इज इक्वल टू क्या होगा 4 pi epsilon 0 क्या होता है आर होता है, क्या होता है 4 pi epsilon 0 आर होता है। तो यहां से देखो हम क्या लिख सकते हैं, यदि लिखे कि C1 इक्वल टू क्या होगा 4 pi epsilon 0 R1 और C2 इक्वल टू क्या होगा 4 pi epsilon 0 क्या लिखेंगे R2, ये भी लिख सकते हैं। तो अब आपसे कोई पूछे कि चार्ज को कैपेसिटर के टर्म में लिखो तो क्या क्या लिखोगे, देखो तो हम लिख सकते हैं Q1 इक्वल टू क्या होगा टोटल चार्ज, क्या होगा टोटल चार्ज आई मीन Q1 प्लस Q2 इनटू क्या होगा C1 अपॉन क्या होगा C1 प्लस C2, Q2 इक्वल टू क्या होगा Q1 प्लस Q2 अपॉन क्या होगा C1 प्लस क्या होगा C2। तो ये आपको माइंड में रखना है, जब हम कैपेसिटर पढ़ेंगे तो आप ये मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे आता है। दिस इज स्फेरिकल कंडक्टर बिहेव लाइक ए आइसोलेटेड कैपेसिटर, आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर, वहाँ ये रिजल्ट आता है, कैसे आता है मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो आपको ये भी याद रखना है, कैपेसिटेंस के टर्म में भी क्या करना है आपको याद रखना है। कभी कभी क्या होगा इनिशियल पोटेंशियल दिया रहेगा, है ना, क्या होगा इनिशियल पोटेंशियल दिया रहेगा तो उसके टर्म में भी हम लिखें। अब क्या पूछा गया है कि एनर्जी लॉस, तो चार्ज मालूम चल गया, और चार्ज मालूम चल गया सेकंड में क्या है कॉमन पोटेंशियल आई मीन V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू क्या होगा Q1 अपॉन क्या होगा 4 pi epsilon 0 R1 इक्वल टू क्या होगा Q2 अपॉन 4 pi epsilon 0 क्या होगा R2 होगा। तो यहाँ आप Q1 और Q2 का वैल्यू रख दोगे तो आसानी से क्या होगा कॉमन पोटेंशियल मालूम चल जाएगा, क्या हो जाएगा कॉमन पोटेंशियल कितना होगा, ये क्या है कॉमन पोटेंशियल है ठीक है। अब अपने को क्या करना है एनर्जी लॉस निकालना है, तो टोटल इनिशियल एनर्जी सिस्टम का कैलकुलेट कर लें और फाइनल एनर्जी क्या करें कैलकुलेट कर लें। तो इनिशियल एनर्जी कितना होगा, देखो तो UI टोटल इनिशियल एनर्जी क्या होगा, आपको भी मालूम है कि आइसोलेटेड आई मीन स्फेरिकल कंडक्टर के लिए क्या होता है एनर्जी कितना होता है स्टोर, देखो तो Q1 square upon 8 pi epsilon 0 क्या होगा R1 प्लस क्या होगा Q2 square upon 8 pi epsilon 0 क्या होगा R2, यही होगा। उसी तरह हम लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिख सकते हैं UF इक्वल टू क्या होगा UF इक्वल टू, अब देखो हम क्या करेंगे इसको, देखो ध्यान से UI इक्वल टू हम Q के जगह क्या लिख सकते हैं, देखो Q1 के जगह हम क्या लिख सकते हैं 4 pi epsilon 0 R1
इंटू वी वन लिख सकते हैं, और इसको हम देखो क्या लिख सकते हैं, की वन इसको सी वन लिख सकते हैं, सी वन वी वन, क्यू टू इक्वल टू क्या होगा सी टू वी टू। तो हम इसके टर्म में लिख देते हैं, ज़्यादा आसान होगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, क्यू वन की जगह क्या लिखेंगे, देखो सी वन वी वन द होल स्क्वायर अपॉन टू इंटू, इसको भी क्या लिख सकते हैं, सी वन प्लस सी टू वी टू स्क्वायर अपॉन क्या होगा टू इंटू क्या होगा सी टू। तो यू आई इक्वल टू क्या होगा, देखो वन बाई टू कॉमन ले लिया, सी वन वी वन स्क्वायर प्लस क्या होगा सी टू वी टू स्क्वायर, ये इनिशियल एनर्जी मालूम चल गया। सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली यू एफ कितना लिखेंगे, वन बाई टू इंटू सी वन, तो वही रहेगा क्योंकि कैपेसिटी जो है वो क्या चीज पे डिपेंड कर रहा है, ज्योमेटिकल शेप एंड साइज पे। तो सी वन प्लस सी टू इंटू क्या होगा, सॉरी ये वी वन डैश लिख लेना है ना, वी वन डैश वी टू डैश है ना, तो ये क्या होगा वी वन डैश स्क्वायर, वी वन का वैल्यू रख सकते हो। तो अब देखो एनर्जी लॉस क्या होगा, वी वन आप कैलकुलेट कर लेना, वी वन इक्वल टू क्या होगा, तो फाइनल एनर्जी मालूम चल गया, वी वन का हम वैल्यू रख दें, तो देखो यहाँ से Q इक्वल टू क्या होता है सी वी, तो यहाँ वी वन डैश आई मीन वी वन डैश इक्वल टू क्या होगा, वी वन डैश इक्वल टू क्या होगा क्यू वन अपॉन क्या होगा सी वन। तो क्यू वन का वैल्यू रखो, क्यू वन का वैल्यू कितना आया है, क्यू वन आई मीन क्यू वन प्लस क्यू टू सी वन अपॉन क्या हुआ सी वन प्लस सी टू, यही आया है ना। अब आप सी वन प्लस सी टू, क्यू वन प्लस क्यू टू को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताओ आप, क्यू वन प्लस क्यू टू को हम क्या लिख सकते हैं, देखो तो यहां से लिख सकते हैं सी वन वी वन प्लस क्या होगा सी टू वी टू सी वन अपॉन क्या होगा सी वन प्लस सी टू, ठीक है। तो यही क्या मिल गया आपने को, क्या मिल गया पोटेंशियल मिल गया, क्या मिल गया पोटेंशियल, सॉरी कॉमन पोटेंशियल मिल गया। अब आप क्या करोगे, यहाँ वैल्यू केवल आपको क्या करना है रख देना है, क्या करना है यहाँ वैल्यू रख देना है। तो वी वन डैश इक्वल टू क्या होगा क्यू वन अपॉन सी वन, सी वन सही लिखा ना हमने, ओह सॉरी यहाँ सी वन होगा ना, तो सी वन कैंसिल हो जाएगा, तो सी वन वी वन प्लस क्या हुआ सी टू वी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू। अब आप दोनों को सॉल्व करोगे, देखो यहाँ वी वन का वी वन डैश का वैल्यू रखोगे तो एनर्जी लॉस, इक्वल टू क्या होगा यू आई माइनस क्या होगा यू एफ। देखो एनर्जी लॉस लिखे हैं तो मैं इनिशियल एनर्जी माइनस क्या लिखेंगे फाइनल एनर्जी, और जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा वन बाई क्या होगा टू सी वन सी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू इंटू क्या होगा इंटू वी वन माइनस क्या होगा वी टू द क्या होगा होल स्क्वायर, यही क्या होगा एनर्जी लॉस। हमने सी वन का वैल्यू देखो यहाँ लिख दिया है, सी वन सी टू का वैल्यू, तो ये आसान है याद करने में, इसलिए मैंने लिखा वन बाई टू सी वन सी टू अपॉन क्या होगा सी वन प्लस सी टू इंटू क्या होगा वी वन माइनस वी टू द होल स्क्वायर। अगेन कैपेसिटर जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ भी हम कि दो कैपेसिटर को हम कनेक्ट करेंगे तो एनर्जी लॉस जो होगा ऐसे ही होगा डिपेंडिंग ऑन द क्या होगा पोलैरिटी बिटवीन देम, तो ये क्या हुआ एनर्जी लॉस हो गया। तो जब आप क्या करोगे दो कंडक्टर को आप क्या करोगे कनेक्ट करोगे कंडक्टिंग वायर के थ्रू, तो एनर्जी क्या होगा लॉस होगा, और एनर्जी लॉस होगा तो क्या होगा वायर में क्या होगा हीट जनरेट होगा, और हीट जनरेट होगा तो उसका टेम्परेचर क्या होगा बढ़ेगा, तो टेम्परेचर कितना बढ़ेगा वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन याद रखना कि ये जो रिजल्ट है वो किसके लिए यूज होगा, केवल क्या होगा स्फेरिकल कंडक्टर के लिए, फॉर ओनली फॉर स्फेरिकल कंडक्टर। तो आपको इसमें क्या था, पहला क्या था कि चार्ज को कंजर्व कराना, दूसरा क्या है पोटेंशियल इक्वेट करना, और तीसरा एनर्जी लिखना। तो आप जानते ही हैं इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी लिखो सब्ट्रैक्ट कर दो उसी वही क्या होगा एनर्जी लॉस होगा। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ कि क्या होगा इफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द क्या होगा ऑफ द वायर इज क्या होगा एस एंड मास
इज क्या होगा एम, देन देन क्यू इक्वल टू क्या होता है, आई मीन डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या होता है एम एस डेल्टा टी, तो डेल्टा टी इक्वल टू क्या होगा डेल्टा क्यू अपॉन क्या होगा एम एस, और डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या होगा लॉस इन एनर्जी, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा यू इक्वल टू क्या लिखेंगे एम एस, और यहाँ से वैल्यू रख दो तो क्या होगा 1/2 एम इंटू एस इंटू क्या होगा सी वन सी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू इंटू क्या होगा वी वन माइनस वी टू होल स्क्वायर, यही क्या हो गया राइज इन क्या हुआ राइज इन टेम्परेचर। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको क्या करना है माइंड में रखना है कि जब भी क्या होगा दो स्फेरिकल कंडक्टर को हम क्या करेंगे कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा जब भी हम क्या करेंगे दो स्फेरिकल कंडक्टर को या दो कंडक्टर को स्फेरिकल कंडक्टर को हम कनेक्ट करेंगे तो कंडक्टिंग वायर जो होगा उसमें एनर्जी लॉस कितना होगा 1/2 सी वन सी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू इंटू वी वन माइनस वी टू द होल स्क्वायर। सी वन सी टू क्या है कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर है, वी वन वी टू क्या है उनका पोटेंशियल है कब का जब हम कनेक्ट नहीं किए इनिशियल पोटेंशियल ऑफ बोथ द कंडक्टर्स, और राइज इन टेम्परेचर क्या हुआ 1/2 एम एस इंटू सी वन सी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू इंटू वी वन माइनस वी टू द होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने ये सेकेंड प्रॉपर्टी हमने पढ़ा। थर्ड क्या पढ़ेंगे आप लोग जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है जीरो होता है, क्या होता है। तो अगला जो प्रॉपर्टी हम लिखेंगे अगला जो पॉइंट लिखेंगे क्या होगा, अब इसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द क्या होगा इनसाइड द कंडक्टर मस्ट बी ऑलवेज जीरो। ऐसा क्यों मैंने ये बताया कि क्या है ये किसी भी शेप का क्या है कंडक्टर है तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा जीरो होगा, क्या होगा जीरो। ऐसा क्या है यदि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो क्या होगा, देखो हम क्या पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं यहाँ ये भी लिख लेना इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर मस्ट बी ऑलवेज जीरो इन, यहाँ लिख लेना इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। अभी ये मैं नहीं भी मेंशन करूँ तो इसका मतलब यही हुआ कंडीशन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में ही क्या होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है या इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या होता है जीरो होता है। ऐसा क्यों कि यदि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इनसाइड द कंडक्टर देन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल एग्जर्ट फ्री चार्ज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल एग्जर्ट फोर्स ऑन द फ्री चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द कंडक्टर एंड बिकॉज ऑफ दैट फ्री चार्ज विल स्टार्ट मूविंग इनसाइड द कंडक्टर एंड हेंस there will be current inside the conductor which is totally क्या है wrong because in electrostatics there should be no any current। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ कि हम लिखेंगे कि if there is an electric field inside the क्या होगा conductor then free electrons present inside the conductor experience force if there is an electric field inside the conductor then free electrons present inside the conductor will experience electric force and
the wheel start moving inside the they will start moving inside the conductor and hence kya hoga hence there is an electric current exist inside the kya hoga conductor to conductor ke andar kya ho jayega electric current exist ho jayega which is wrong in case of electrostatic which is wrong in case of electrostatic क्या लिखेंगे which is wrong in case of electrostatic case में क्या है electrostatic situation में क्या होना चाहिए conductor के अंदर कोई भी current नहीं flow होना चाहिए तो इसलिए क्या है ये wrong है hence क्या होगा hence no electric field exist hence there is no electric field exist inside hence there must no electric field exist inside the conductor के अंदर क्या होना चाहिए electric field exist नहीं होना चाहिए इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे अगला जो पॉइंट है उसको हम क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था जब सरफेस टेंशन पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था वहाँ भी बताया था और मैंने बोला था कि याद कर जाओ जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे तो वहाँ मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आता है क्या है कैसे आता है तो अभी हम क्या पढ़ेंगे अगला पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन द क्या होगा ऑन द सरफेस ऑफ ए चार्ज्ड कंडक्टर कोई भी कंडक्टर है तो उसके सरफेस पे आप जब चार्ज रखोगे तो वहाँ क्या होता है ऑफ कोर्स क्या होगा एक जो चार्ज है वो दूसरे पे क्या करेगा फोर्स एग्जर्ट करेगा और फोर्स जब एग्जिस्ट हुआ तो फोर्स एग्जिस्ट होगा तो क्या होगा फील्ड भी क्या होगा एग्जिस्ट होगा अब देखो क्या है यहाँ हमने क्या किया सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या मान ले रहे हैं स्फेरिकल कंडक्टर मान ले रहे हैं क्या कंसिडर कर ले रहे हैं स्फेरिकल कंडक्टर हम कर यही क्या है मान लो क्या है स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस कुछ दिया हुआ है और इस पे चार्ज क्या है यूनिफॉर्मली क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड है अब आपको क्या फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर तो इसके लिए क्या करना है फोर्स आपको क्या करना पड़ेगा फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कंडक्टर के किसी भी पार्ट पे जहां चार्ज है उस पे हम फोर्स फाइंड आउट करें और फोर्स जैसे ही मालूम चल जाएगा तो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया क्या होता है प्रेशर होता है तो यहां इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया इज इक्वल टू क्या होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर होगा क्या होगा इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया विल बी नथिंग बट द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर अब आपको ये भी मालूम है कि कोई भी चार्ज जो है वो खुद से फोर्स एग्जर्ट नहीं करता है एक्सपीरियंस नहीं करता है इसका मतलब क्या होगा कि जो हम चार्ज कंसीडर करेंगे उसके सरफेस पे या उसके नजदीक या उसके पोजीशन पे हम क्या करेंगे रिमेनिंग जो चार्जेज हैं उनके द्वारा हम क्या करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे और फिर फोर्स क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू क्या होता है चार्ज तो अब हम यहाँ एक नोट में क्या लिखेंगे ये आपको समझ में आता हमने क्या किया कि यहाँ एक डिफरेंशियल क्या किया एरिया कंसीडर कर लिया क्या है डिफरेंशियल सरफेस
एरिया, और यहाँ जो चार्ज है हमने मान लिया कि वो क्या है, डी क्यू है, ठीक है। इसका एरिया हमने क्या मान लिया, डी एस। अब मुझे इस सरफेस पे क्या करना है, फोर्स निकालना है। क्या करना है, फोर्स इस सरफेस पे कैलकुलेट करना है। तो इस सरफेस को छोड़ करके रिमेनिंग पार्ट जो है उसके द्वारा मैं यहाँ फील्ड निकालूंगा, और फिर दैट फील्ड इंटू डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा, और उसके बाद आसान हो जाएगा। तो हम क्या यहाँ लिख रहे हैं कि E1, दो पॉइंट लिख रहे हैं, E1 इक्वल टू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या होगा, ड्यू टू चार्ज डी क्यू। E2 इक्वल टू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग चार्ज। तो हम लिख सकते हैं, यदि फोर्स मुझे लिखना हो, फोर्स ऑन डी क्यू यदि कैलकुलेट करना हो, तो हम आसानी से क्या लिख सकते हैं, फोर्स यहां लिख सकते हैं, फोर्स ऑन डी क्यू कितना होगा, फोर्स ऑन डी क्यू इक्वल टू क्या होगा, ई इंटू हम क्या लिखेंगे, ई2 इंटू क्या लिखेंगे, डी क्यू। मैंने क्या बताया, कोई भी चार्ज खुद से फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है। कभी आपने अपने आप को मारना पसंद करेंगे क्या, हमेशा नहीं पसंद करेंगे ना। उसी तरह क्या होगा, कोई भी चार्ज जो है खुद से फोर्स अपने आप को खुद से बीट नहीं करता है ना, खुद से फोर्स एग्जर्ट नहीं करेगा अपने आप पे। तो हमने क्या किया, मुझे डी क्यू हमने स्मॉल कंसिडर किया है, क्या कैपिटल, तो कैपिटल, तो यहाँ हमने कैपिटल लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, आप जानते हैं कि कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लो पी, तो हम लिख सकते हैं कि E1 प्लस E2 इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा, क्यों, क्या कि पी यही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, एंड ईपी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कंडक्टर के अंदर है, क्या है, कंडक्टर के क्या है, अंदर है, कंडक्टर के अंदर है, तो कंडक्टर के अंदर जीरो होगा, तो हम लिख सकते हैं E1 का मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या होगा, E2 का मैग्नीट्यूड। इस चार्ज के द्वारा बी पॉइंट पे जितना फील्ड होना चाहिए उतना ही क्या होना चाहिए, रिमेनिंग चार्ज के द्वारा फील्ड होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए, तभी क्या होगा। अब यदि आप कंसीडर करो, या सेंटर ही कंसीडर कर सकते हो, तो आसानी से क्या होगा, सेंटर पे फील्ड जीरो करोगे तभी भी क्या होगा, याद है, तो एक इक्वेशन अपने को ये मिल गया। अब यदि जस्ट आउटसाइड हम कंसीडर करें, यहाँ एम पॉइंट पे, तो हम जानते हैं क्या होगा कि नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड ऑफ क्या होगा, कंडक्टर, दैट इज हम क्या लिखेंगे, दैट इज क्या होगा, क्या लिखेंगे, ई एट एम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे। अब देखो इसके द्वारा भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके द्वारा भी फील्ड क्या होगा, इधर ही होगा, और रिमेनिंग चार्ज है उनके द्वारा भी क्या होगा, इधर ही होगा। तो हम लिख सकते हैं कि E1 प्लस क्या लिखेंगे, E2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड लिखे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, EM इक्वल टू क्या होगा, 2E1 इक्वल टू 2E2। अब हम नियर टू द सरफेस, यदि क्या हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ हो सिग्मा, तो नियर टू द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा अपॉन इप्सिलन जीरो होता है, क्या होता है, सिग्मा अपॉन इप्सिलन जीरो होता है, यही होता है ना। अब हम लिख सकते हैं कि क्या होगा, देखो यहाँ से लिख सकते हैं E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलन जीरो। अब अपने को क्या मालूम चल गया, फील्ड मालूम चल गया, क्या हो गया, फील्ड मालूम चल गया, E2 का वैल्यू मालूम चल गया, E1 का वैल्यू मालूम चल गया, कितना हुआ, सिग्मा अपॉन क्या हुआ, 2 इप्सिलन जीरो। मैंने ये भी बताया था, आप ट्रिक के लिए याद रखना कि इनसाइड फील्ड क्या है, जीरो है, आउटसाइड फील्ड क्या होगा, सिग्मा अपॉन इप्सिलन जीरो होगा। तो एवरेज हम क्या करते हैं, जब भी फोर्स लिखना हो तो एवरेज फील्ड लिख लेंगे, जीरो प्लस सिग्मा अपॉन इप्सिलन जीरो डिवाइडेड बाई क्या होगा, 2 होगा, तो यही आ जाएगा, मैंने बताया था जब पैरेलल प्लेट पढ़ा रहा था वहाँ। अब अपने को क्या मालूम चल गया, E1 प्लस क्या हो गया, E2 मालूम चल गया, तो E1 E2 क्या हुआ, सिग्मा अपॉन 2।
अब हम लिखेंगे फोर्स, फोर्स ऑन क्या होगा डिफरेंशियल, डिफरेंशियल क्या होगा चार्ज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम डी एफ लिख लें, तो डी एफ इक्वल टू क्या होगा डी क्यू इंटू क्या होगा डी क्यू इंटू ई टू, और डी क्यू क्या होगा सिग्मा इंटू हम क्या लिखेंगे डी एस इंटू ई, अब क्या लिखोगे डी एफ, डी एफ अपॉन डी एस इक्वल टू ई टू का वैल्यू रखो तो देखो कितना होगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन क्या होगा एप्सिलॉन जीरो। ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो हाफ पार्ट है वो रिमेनिंग हाफ पार्ट पे कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा, तो यहाँ से यदि स्फेरिकल कंडक्टर देखना, इससे जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको इसको याद रखना चाहिए, है ना। तो ये क्या है, इसी को हम क्या बोलते हैं, देखो इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन क्या हुआ एरिया, तो इसी को हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन क्या होगा टू इप्सिलन जीरो होगा, तो हम लिख सकते हैं कि क्या होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर नियर टू द सरफेस ऑफ द क्या होगा कंडक्टर चार्ज कंडक्टर इज इक्वल टू क्या होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर प्रेशर नियर टू द क्या होगा टू द सरफेस ऑफ चार्ज चार्ज कंडक्टर। अब देखो क्या होगा यहाँ यदि मैं कंसीडर करूँ यहाँ, है ना, मैंने क्या किया है यही डिफरेंशियल एरिया हमने क्या किया है कंसीडर कर लिया, तो इसमें जो प्रेशर लगेगा वो किधर लगेगा आउटसाइड लगेगा याद रखें, क्योंकि इसमें E2 का जो डायरेक्शन होगा क्या होगा इधर होगा, और यही क्या हुआ DQ चार्ज है इस पर, यदि DQ चार्ज है तो इस पर यदि आप क्या करोगे फोर्स निकालोगे तो एक प्रेशर किधर होगा आउटवर्ड होगा, है ना, तो ये क्या होगा यहाँ मैं लिख देता हूँ, है ना, क्या होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होगा इधर क्या होगा चार्ज क्या होगा पॉजिटिव होगा निगेटिव हो, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन क्या होगा टू एप्सिलॉन जीरो होगा, ये कभी निगेटिव नहीं होगा, आपको ये मालूम है प्रेशर निगेटिव नहीं होता है, तो नोट में क्या लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर नियर या ऑन द सरफेस, ऑन द क्या होगा ऑन द सरफेस ऑफ ए चार्ज चार्ज्ड कंडक्टर इज ऑलवेज क्या होगा ऑलवेज आउटवर्ड, क्या होगा ऑलवेज आउटवर्ड, और मैग्नीट्यूड क्या होगा ये सिग्मा अपॉन क्या होगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन क्या होगा टू एप्सिलॉन जीरो होगा। अब देखो यहाँ तुमसे फोर्स कैलकुलेट करना है तो तुम आसानी से क्या कर सकते हो डी एफ इक्वल टू क्या लिख सकते हो फोर्स भी मैं लिख देता हूँ, है ना, दूसरा ये लिख लेना तो फोर्स इक्वल टू क्या होगा फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द क्या होगा ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज, एक क्वेश्चन पूछा गया है चार्ज स्फीयर, तो एफ इक्वल टू क्या होगा देखो सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो इंटू क्या लिखोगे डी एस। अब जितने पार्ट पे तुमसे पूछा जाओ उसका एरिया लिख दोगे तो आसानी से क्या होगा आंसर आ जाएगा, ये जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन। अब हम क्या लिखेंगे कि आप सरफेस टेंशन में हम आते हैं, वहाँ सरफेस टेंशन में भी हमने वो क्वेश्चन पढ़ा भी था, फिर से मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ कि वहाँ हमने पढ़ा था क्या है कि अगला पॉइंट यहाँ हम क्या लिखेंगे इसी में, है ना, यही में नोट में फर्स्ट पॉइंट था ये क्या हुआ सेकेंड पॉइंट हुआ और ये थर्ड पॉइंट होगा, क्या होगा प्रेशर क्या लिखेंगे प्रेशर इनसाइड, ये क्या होगा चार्ज्ड चार्ज्ड बबल, ये क्या है कोई चार्ज्ड बबल है, बबल में इंटरफेस क्या होता है जो सरफेस एरिया कितना होता है दो होता है, मैंने बताया था आप लोगों को,
ठीक है, बबल है, ठीक है, इस पर क्या है चार्ज रखा गया है, क्यू, इसका रेडियस क्या है आर है, सरफेस टेंशन हम क्या मान लेते हैं, सरफेस टेंशन कितना मान लेते हैं, टेंशन इक्वल टू क्या होगा टी, अब वहां आपको मालूम है यदि चार्ज क्या होगा, कुछ नहीं करना है, फोर्स को मैंने बताया था, सब मैंने बताया था, अब देखो यहां क्या कैलकुलेट करना है, पी इनसाइड, इधर प्रेशर हम क्या लिखेंगे, पी इन क्या लिखेंगे, पी इन आई मीन क्या होगा, प्रेशर इनसाइड ये चार्ज, बबल, दूसरा क्या होगा पी आउट, प्रेशर आउटसाइड ए चार्ज, बबल और प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन फोर्स 4T, क्या होगा 4T अपॉन क्या होगा आर, ये क्या होगा प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन फोर्स, और ये क्या होगा, यहाँ चार्ज बबल है तो क्या होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर होगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन क्या होगा 2 epsilon 0 इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर आउटसाइड, अब क्या होगा डायरेक्टेड, लिख देते हैं डायरेक्टेड आउटवर्ड, ठीक है, क्या है अब कुछ नहीं करना है, टोटल प्रेशर इनसाइड इज इक्वल टू क्या करना है, टोटल प्रेशर क्या होगा इनवर्ड मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा, टोटल प्रेशर क्या होगा आउटवर्ड, क्योंकि ये क्या है बबल क्या है इक्विलिब्रियम में है ना, तो हम लिख सकते हैं कि सिंस क्या लिखेंगे, सिंस चार्ज्ड बबल इज इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम हेंस टोटल फोर्स मस्ट बी क्या होगा जीरो, इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो अंदर से बाहर की तरफ प्रेशर होगा है ना, तो क्या लिखेंगे यहां बाहर की तरफ, एक तो पी इन होगा प्लस क्या होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक सिग्मा स्क्वायर अपॉन क्या होगा 2 epsilon 0 यही होगा ना, और अंदर की तरफ कौन सा प्रेशर होगा, एक तो होगा पी आउट आई मीन एटमोस्फेरिक प्रेशर, तो पी आउट प्लस क्या लिखेंगे सरफेस टेंशन, क्योंकि सरफेस टेंशन क्या करेगा सरफेस एरिया को क्या करता है मिनिमम बनाता है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो सरफेस टेंशन फोर्स किधर लाएगा अंदर की तरफ लाएगा, तो क्या लिखेंगे 4T अपॉन क्या लिखेंगे आर, यहां से देखोगे पी इन माइनस क्या होगा पी आउट इज इक्वल टू क्या होगा 4T अपॉन क्या हो जाएगा आर माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन क्या होगा 2 epsilon 0, ये इंपॉर्टेंट है, यही क्या होता है एक्सेस प्रेशर होता है, एक्सेस प्रेशर क्या होता है इनसाइड द क्या होगा चार्ज बबल, व्हाट इज द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द चार्ज बबल 40 अपॉन आर माइनस क्या होगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन क्या होगा 2 epsilon 0, क्या होगा 40 अपॉन आर माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 epsilon 0 होगा, इसी को हम क्या बोलते हैं डेल्टा पी इक्वल टू क्या होगा 40 अपॉन क्या होगा आर माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन क्या होगा 2 epsilon 0, दिस इज कॉल्ड एक्सिस प्रेशर इनसाइड द बबल, अब कभी कभी ये पूछा जाएगा कि फाइंड चार्ज ऑन द क्या होगा सरफेस आई मीन बबल सो दैट द एक्सिस प्रेशर क्या हो जाए जीरो हो जाए,
तो देखो यहाँ ध्यान से हम लिख सकते हैं क्या कि इफ क्या होगा, इफ डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या होगा जीरो, देन क्या होगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू इप्सिलन जीरो इक्वल टू 40 अपॉन क्या होगा आर। ठीक है, यहाँ से एक तो रिलेशन ये हो गया, यहाँ से आप क्या कर सकते हो सिग्मा का वैल्यू रख सकते हो, तो कितना होगा क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई इप्सिलन जीरो स्क्वायर इंटू क्या लिखोगे इंटू टू इप्सिलन जीरो क्या लिखोगे आर इक्वल टू 40 अपॉन क्या होगा आर, सॉरी आर स्क्वायर, तो आर से आर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो देखो क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा देखो 16/32 कितना लिखोगे या इसको के लिख दो सबसे अच्छा है ना, क्या होगा के, बाद में हम वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, के स्क्वायर नहीं, हमने क्या किया गलत लिख दिया, यहाँ के नहीं होगा, सिग्मा 16 पाई स्क्वायर। ठीक है, तो 32 × 4 है ना इंटू सिग्मा इंटू आर इंटू क्या हो जाएगा टी, यही होगा क्या क्यू स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा। अब इस यहां से क्यू का वैल्यू भी लिख सकते हो, कितना होगा 8 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 8 इसको हम क्या लिख सकते हैं टू इप्सिलॉन जीरो क्या लिखेंगे यार, तो टू और यहां से हम क्या लिख दें 8 इंटू क्या लिखें टू इप्सिलॉन जीरो क्या लिखेंगे आर इंटू क्या लिखेंगे टी, यही क्या हो गया तो चार्ज ऑन द क्या होगा स्फेरिकल बबल, यदि क्या हो जाए देख लेना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो करेक्ट कर लेना, लेकिन क्या होगा Q इक्वल टू क्या होगा 8 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इप्सिलॉन 0 r इंटू टी, टी क्या है सरफेस टेंशन, r क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर, सिग्मा क्या है सॉरी ये क्या है इप्सिलॉन 0 है ना और 8, तो ये क्या है यदि इतना चार्ज यदि हम बबल में रख दें तो एक्सेस प्रेशर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, कभी कभी भी क्या है क्वेश्चन पूछा गया है, कभी कभी क्या है इसको भी पूछा गया। उसके बाद आपको अगला जो पॉइंट है वो क्या है, क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अगला जो पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द क्या होगा टू द सरफेस ऑफ द क्या होगा कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर है उसके सरफेस पे ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आप इसको खुद से सोचना, मैंने स्फेरिकल कंसीडर कर लिया, इस पे चार्ज यदि रखोगे है ना तो क्या होगा चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा सरफेस के कंडक्टर पे क्या होगा सरफेस पे क्या होगा नॉर्मल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ऑलवेज होगा क्या होगा नॉर्मल होगा सरफेस पे। क्या होगा नॉर्मली क्या होगा सिंक होगा और क्या होगा टर्मिनेट, ऐसा क्यों देखो ध्यान से इसको हम कई तरह से बता सकते हैं कि यदि क्या होगा यदि सबसे तो पहले आप इक्विपोटेंशियल सरफेस से भी आप सोच सकते हो कि कंडक्टर के अंदर क्या होता है सरफेसेस जो होते हैं या वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है इक्विपोटेंशियल होता है, तो उससे भी आप सोच सकते हो। दूसरा ये है कि यदि सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं हो तो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होंगे दो कंपोनेंट हो जाएंगे, क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होगा दो कंपोनेंट होगा, एक क्या होगा सरफेस के अलोंग लगेगा और दूसरा कंपोनेंट क्या होगा सरफेस के क्या होगा पैरेलल, जैसे मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ऐसे है तो एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा सरफेस के अलोंग लगेगा, तो इसके वजह से क्या होगा जो भी सरफेस के नजदीक जो भी चार्ज है जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेंगे सरफेस के अलोंग क्या करेंगे मूव करने लगेंगे, और जब मूव करने लगेंगे तो क्या होगा
जैसे ही वो मूव करेंगे तो क्या होगा, मूव करने लगेंगे तो क्या होगा, करंट फ्लो होने लगेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होना चाहिए, करंट क्या होना चाहिए, नहीं फ्लो होना चाहिए, तो ये भी क्या है, पॉसिबल नहीं है। दूसरे तरह से हम ये सोच सकते हैं कि मैंने बताया था कि एज वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएगा, सरफेस के टेंजेंट हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलॉन्ग मूव करोगे तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेकिन हम जानते हैं कि इक्विप कंडक्टर का जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। तो यदि क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सरफेस के टेंजेंट हो जाएगा, तो सरफेस पे सभी जो पॉइंट होंगे वो इक्विपोटेंशियल नहीं रह पाएंगे। तो हम इसको ऐसे भी क्या कर सकते हैं, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आप इसको खुद से लिख लेना। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है कि टोटल चार्ज, आई मीन नेट चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द क्या होगा, नेट चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द क्या होगा, कंडक्टर इज ऑलवेज क्या होगा, जीरो। इसको भी आप खुद से प्रूव कर सकते हो बाय यूजिंग गॉस लॉ। मोस्टली आप गॉस लॉ से प्रूव कर सकते हो कि क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या होता है, कंडक्टर के अंदर क्या होता है, जीरो होता है। ई डॉट डी एस इक्वल टू क्या होगा, क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन जीरो। अब ई जीरो हो गया तो क्यू इनक्लोज भी क्या होगा, जीरो होगा। आई मीन व्हेन एवर वी प्लेस एनी चार्ज इनसाइड द कंडक्टर, चार्ज विल रीडिस्ट्रीब्यूट इनसाइड द कंडक्टर इन सच ए वे दैट नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर मस्ट बी ऑलवेज जीरो। आई मीन जो भी चार्ज आप सरफेस पे, कंडक्टर के अंदर रखोगे, वो चार्ज क्या होगा, उसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्मली क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वो डिपेंडिंग ऑन द क्या होगा, कंडीशन और सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर। ओके, थैंक यू। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, कुछ और कैविटी से रिलेटेड, कुछ और कंडक्टर का जो प्रॉपर्टी है उसको कल हम इसके नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और मंडे से हम कैपेसिटर पढ़ेंगे। कल जो होगा, इसके बाद एक क्लास होगा जिसमें हम क्या करेंगे, सभी पॉइंट जो है कंडक्टर से रिलेटेड, मेनली क्या है, कैविटी से रिलेटेड चीज़ें अपने को डिस्कस करना है, और तो हम पढ़ चुके हैं तो उसको हम देखेंगे, और फिर मंडे से हम क्या शुरू करेंगे, कैपेसिटर। ओके, थैंक यू।